उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गौरीगुंडा पुलिया के पास भारी बारिश व भूस्खलन होने के कारण जानमाल का नुकसान होने की आशंका है। इसमें करीब 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस दौरान सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। इस घटना में भूस्खलन की स्थिति का जायजा लेने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा अभियान केंद्र पहुंचे। रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वह भी की जा रही है, और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर, जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को प्रशासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, कि सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो जरूरी चीजें हैं वो सब करी जा रही हैं। सर, जो लोग लापता हुए स्थानीय थे, क्या श्रद्धालु भी इनमें थे या कौन लोग थे? देखिए, कुछ उसमें से 13 लोगों में से 8 लोग तो नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं, और एक बार चूंकि सभी से जानकारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, उनकी पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है।